दोस्तों, GDS स्पेशल ड्राइव भर्ती जो थी उसकी सेकंड लिस्ट कल शाम को जारी हो चुकी है। लेकिन सेकंड लिस्ट में एक सर्किल है नॉर्थ ईस्ट, उसका रिजल्ट नहीं आया है। आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट का सेकंड लिस्ट नहीं आया? नहीं आया तो फिर कब तक आएगा? क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से रिजल्ट रोक लिया गया है? नॉर्थ ईस्ट एकमात्र ऐसा सर्किल है जहां 60% वालों का भी सिलेक्शन होता है। आइए बिना टाइम गवाए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस स्पेशल ड्राइव 12828 भर्ती के बारे में, तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDS स्पेशल ड्राइव की बात कर रहा हूं। सेकेंड लिस्ट जारी हो चुका है। सेकेंड लिस्ट में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं दिखाई देगा आपको। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सीट आई थी स्पेशल ड्राइव में। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक फॉर्म फिलिप भी हुए थे। अभ्यर्थियों ने सबसे अधिक फॉर्म अप्लाई किया। इसका कारण है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हिंदी भाषी स्टेट्स के भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। कारण, नॉर्थ ईस्ट से सबसे कम कट ऑफ जाता है, 61% वाले अभ्यर्थी का भी नंबर आ जाता है। सर, आप कैसे कह रहे हो कि 60% वालों का नंबर आ गया? नॉर्थ ईस्ट की जब पहली लिस्ट आई थी दोस्तों स्पेशल ड्राइव की, उसमें 4092 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। सबसे अधिक यही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ 4092। इन अभ्यर्थियों का DB हो चुका है फर्स्ट, और कहीं ना कहीं सेकंड DB का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये सेकंड लिस्ट आ जाती है और नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न स्टेट्स आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। दोस्तों, आपको मैं एक ऑफिशियली नोटिस दिखा रहा हूं, यह इंडिया पोस्ट ऑनलाइन GDS की साइट पर है। इसमें साफ साफ हमें बताया गया है कि मणिपुर से जो फॉर्म अप्लाई कर रहा था अभ्यर्थी, वहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर सका। तो फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई गई थी। अन्य कुछ टेक्निकल एरर भी आ गए थे इधर आपके अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, तो कुछ इस वजह से प्रॉब्लम्स आने के कारण वहां डेटा डिविजन्स वाइज नहीं बना। और डिविजन्स वाइज जब डेटा नहीं बना तो इस सेकेंड लिस्ट में भी कहीं ना कहीं डिले हो चुका है नॉर्थ ईस्ट की में, इस वजह से यह लिस्ट नहीं आई। लेकिन आपने अगर नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। जल्द नॉर्थ ईस्ट का सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है। ऑफिशियली वेबसाइट पर इसको लेकर जल्द एक बड़ा अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। विषय क्लासेस पर विजिट करते रहिएगा। नॉर्थ ईस्ट से अलावा बाकी सर्किल का रिजल्ट आ गया है। बाकी सर्किल से जो सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स 5000+, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर लिस्ट में तो नाम आ गया, मैसेज नहीं आया। और मैसेज भी आ गया, वो भी जीमेल पर आया है, क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए? बिल्कुल दोस्तों, आपके पास मैसेज आ गया, चाहे वो जीमेल पर आया हो, चाहे मोबाइल नंबर पर आया हो, कहीं पर भी आ गया हो, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाइए। दूसरी बात, अगर आपके पास अभी तक मैसेज नहीं आया जीमेल एंड मोबाइल नंबर पर और लिस्ट में नाम आ चुका है, मैसेज का इंतजार नहीं करना है। बिना मैसेज के आप DB के लिए पहुंच जाइए। कहां पर जाना है? ये लिस्ट में आपका जो रिजल्ट बना है वहां दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2023 है। 6 अगस्त 2023 तक नहीं पहुंचते हैं तो एक्स्ट्रा 5 डे का टाइम और दिया जाता है। 5 डे का मतलब है 7 अगस्त 8 9 10 11। 11 अगस्त तक सेकंड लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलेगी। फर्स्ट DB होगा। फर्स्ट लिस्ट में जिसका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब बहुत जल्द उनके लिए सेकंड DB का मैसेज आने वाला है। इधर आपका सेकंड लिस्ट का फर्स्ट DB चलेगा, उधर आपका फर्स्ट लिस्ट का सेकंड DB चलेगा। आप लोगों का अगर सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया है तो घबराए नहीं, अभी इसकी बहुत सारी लिस्टें आएंगी।
थर्ड लिस्ट बहुत जल्द आएगा, थर्ड लिस्ट आपके 10 या फिर 11 अगस्त के आसपास आने की संभावना है। थर्ड लिस्ट के बारे में अलग से वीडियो आपको मैं बनाऊंगा, क्या डेट रहेगी आने की, क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बार बार परेशान हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट को लेकर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्द आपका भी रिजल्ट बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका जी स्पेशल ड्राइव में सिलेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है घबराए नहीं, इसमें वैकेंसीज बहुत कम थी, अभी बहुत बम्पर भर्ती का पिटारा खुलेगा साइकिल 6 का, उसमें 30,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आ रही है, तैयार हो जाइए डीवी के लिए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अभी से ही सारे दस्तावेज तैयार रखिए। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि अभी से क्लासेस जाना जाता है एकदम ऑफिशियली सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।